कहानी किसी की भी बयां करनी हो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, और मोटिवेशन का चक्कर ये है कि जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना उसी समय वो गायब होती है, और ये समय होता है गुदगुदी की कहानी। सॉरी ओके, शुरू से शुरू करते हैं। गुदगुदी शिकार किया करती थी, अपनी मर्जी से नहीं, पर जिन्होंने इसको पाला उन्होंने जैसा इसको बनाया ये वैसी बन गई। अब एक दिन इसके पिछले वाले पैरों ने काम करना बंद कर दिया और ये बिल्कुल निढाल सी हो गई। इसके घर वालों ने हाल ही में इसकी नसबंदी कराई थी तो उनको लगा कि इस वजह से इसको कमजोरी आ गई है, पर ये सिर्फ एक भ्रांति है, नसबंदी से कमजोरी नहीं आती। हुआ ये कि समय से वैक्सीनेशन ना होने के कारण इसको टिक फीवर हो गया, जिसकी वजह से इसके जोड़ों में सूजन आ गई और इसने चलना बंद कर दिया। जब वो गुदगुदी को हमारे क्लिनिक लेके आए तो हमने उसका प्राथमिक उपचार भी कर दिया और उनको दवाई भी दे दी, पर जितने जोरों शोरों से उन्होंने इससे काम लिया था उसी जोश से वो इसकी सेवा नहीं कर पाए। पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार आम है, पर ऐसा व्यवहार करने वालों को मैं गलत भी नहीं ठहरा सकता। आखिरकार हम वैसा ही ढल जाते हैं ना जैसा परिवार वाले और समाज हमें ढालता है। हाँ, गलत हम तब पड़ते हैं जब अपनी कमी समझने के बावजूद हम उसे ठीक नहीं करते, और हम में से बहुत से लोग ठीक करना तो चाहते हैं पर खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते। खैर, वो लोग गुदगुदी को इलाज के लिए यहीं पे छोड़ गए, और इलाज से उसकी बीमारी तो ठीक हो गई लेकिन पहले की तरह दौड़ लगाने के लिए शायद वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रही थी। मैं कह रहा था ना कि जब मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो गायब होती है, और ये समय होता है कुछ शुरू करने से ठीक पहले। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि शुरुआत का पहला कदम हम जितना हो सके उतना आसान रखें। गुदगुदी ने भी पहले उठ के सिर्फ बैठना शुरू किया, फिर मोटिवेट होके वो खड़ी होना शुरू हुई, और फिर मोटिवेट होके उसने चलना शुरू किया, और अब सिर्फ समय की ही बात है कि वो पहले की ही तरह भागना शुरू कर देगी। तो अगर आप भी किसी चीज की शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हैं ना, तो याद रखिए मोटिवेशन आती है पहला कदम लेने के बाद।